20 से 22 हजार में आप लोग ये बाइक घर लेकर जा सकते हो। ना अब ये बाइक पावर के मामले में पीछे, ना ही ये बाइक फीचर्स के मामले में पीछे, और ना ही ये बाइक डिजाइन के मामले में पीछे। फर्स्ट गियर 50, 68, सेकंड गियर। सो गाइस, ये है बिहार शरीफ का साई बाजार शोरूम, और यहाँ पे जो है NS 200 आ चुकी है न्यू वाली, जिसमें चेंजेस हुए हैं। एंड जैसा कि आपने मेरे ओल्ड वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने रिव्यू किया था शोरूम के अंदर। सो ये देख सकते हो, बाइक जो है वो निकल रही है, और ये रही ऑल न्यू NS 200 BS6 फेज 2 के साथ आ चुकी है। एंड यहाँ देख सकते हो पूरा इसका लाइट वगैरह, इसका जो है मैंने रिव्यू वीडियो ऑलरेडी शूट कर रखा है। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका राइडिंग एक्सपीरियंस बताऊंगा कि इस बाइक में क्या क्या कंपनी ने चेंजेस किया है। फिलहाल यहाँ आप देख सकते हो जो इसका मीटर है वो पूरा एकदम डिजिटल मीटर इसके अंदर दिया गया है, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है। एंड गाइज, इस बाइक का डाउन पेमेंट क्या पड़ेगा अगर आपको ये बाइक खरीदना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, तो सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो गाइज, पहुँच चुके हैं लोकेशन पे, एंड ये देख सकते हो ये बाइक जो फुल ब्लैक कलर में NS 200। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके की से। सो यहाँ देख सकते हो इसमें मिलता है वेब की, एंड कंपनी ने जो है इसमें 4 मेजर अपडेट किए हैं, जो कि मैंने पहले रिव्यू वाले वीडियो में बताया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। सो प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो भी शोरूम प्राइस है 1,60,000 पड़ रहा है शोरूम प्राइस। एंड वही मैं बात करूँ प्रीवियस मॉडल से, तो 10,000 रुपए ये ज्यादा महंगी हो चुकी है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो यहाँ देख सकते हो पहला जो मेजर पार्ट है, यहाँ पे फ्रंट का जो हेडलाइट है वो पूरा चेंज हो चुका है, प्लस में LED इंडिकेटर यहाँ पे आ चुका है। वहीं पे दूसरी चेंज की बात करें, जो मेजर चेंज है यहाँ देख सकते हो इसका स्पीडोमीटर, जो कि फुल्ली डिजिटल हो चुका है, एंड साथ में इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल रही है, तो बहुत ही अच्छी चीज है ये। और यहाँ पे देख सकते हो अगली चेंज, यहाँ पे एक छोटा सा चार्जिंग सॉकेट भी ऐड हो चुका है, यहाँ देख सकते हो। बाकी इसमें एज सच कोई भी चेंजेस नहीं है, ये जो थे कुछ 4 चेंजेस जो कि मैंने आपको बताया। वहीं पे बात करें इंजन की, तो इसमें मिलता है 199.6 cc का 4-stroke 4-valve लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 24.1 bhp एंड 18.7 Nm का टॉर्क ये बाइक प्रोड्यूस करती है। एंड गाइस, जो मेन जो पावर है इस बाइक का वो 5000 rpm के बाद बहुत ही अच्छा ये रेव होती है, बिकॉज NS सीरीज में मैंने नोटिस किया है जो उनका पावर होता है वो 5000 rpm के बाद ही आपको फील होगा, लेकिन लोअर में आपको उतना पावर फील नहीं होगा। लेकिन जब आप 5000 rpm को क्रॉस करते हैं तो आपको बहुत ही हैवी पावर फील होती है, तब इस बाइक का असल पावर आपको फील होने वाला है। यहाँ देख सकते हो उसका पूरा इंजन का पार्ट वगैरह, ये रहा इसका कूलेंट, लिक्विड कूलिंग के साथ ही आती है, यहाँ देख सकते हो ये सब। फ्रंट में मिलता है 300 mm का डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल ABS, एंड फ्रंट में मिलता है 100 सेक्शन का टायर। एंड यहाँ देख सकते हो USD फोक्स है, जो कि पहले ही अपडेट हुआ था इस बाइक के अंदर। 12 लीटर का टैंक कैपेसिटी है इस बाइक का, एंड माइलेज आप लोग 30-35 एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज राइडिंग स्टाइल पे माइलेज डिपेंड करता है। एंड ये सब देख सकते हो NS 200 की राइडिंग। पर्सनली ये जो ब्लैक कलर है वो काफी अच्छा लगता है, एंड इस पे आप जब मॉडिफिकेशन कराओगे तो बहुत ही अच्छा ये बाइक लुक निकालती है। एंड रियर में मिलता है 230 mm का डिस्क ब्रेक, यहाँ देख सकते हो रियर में मोनोशॉक है, ये रहा इसका आइकॉनिक टेल लाइट, जो कि काफी प्यारा लगता है। अगर आप इसका टायर अगर हटा दोगे तो बहुत ही सेक्सी लुक आने वाला है इस बाइक के रियर से। सो एक चीज है। एंड गाइस, इसका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो है अपाचे RTR 204B, लेकिन अब जो है अपाचे 204B इसके सामने नहीं टिकने वाली, बिकॉज फीचर्स के मामले में पहले NS 200 अपाचे से मार खा जाती थी, लेकिन अभी जो है कंपनी ने हर कुछ इस बाइक के अंदर दे दिया है। तो इस बाइक में जो जो कमी थी बजाज ने वो दूर कर दिया है, तो ये बाइक जो है अब फुल पैकेज हो चुकी है, बिकॉज हर एक चीज इस बाइक में मिल रहा है। ना अब ये बाइक पावर के मामले में पीछे, ना ही ये बाइक फीचर्स के मामले में पीछे, और ना ही ये बाइक डिजाइन के मामले में पीछे। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छा पैकेज बन चुका है NS 200 अब। सो फटाफट अभी एक काम करते हैं, इस बाइक को भगाते हैं, 0-60, 0-100 एंड 0-120 तक भगाते हैं, कितने देर में ये अचीव करती है। सो अभी मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। यहाँ देख सकते हो ये बटन वगैरह सब कुछ ऐड हो चुका है, जिससे आप लोग कंट्रोल कर सकते हो स्पीडोमीटर को। बाइक जो है फर्स्ट गियर में है, फर्स्ट गियर 50, 68, सेकंड गियर। गाइस, क्या भाग रही है बाइक, मतलब
0 to 120 जाने में जरा सा भी टाइम नहीं लग रहा है, एक ट्राई और लेते हैं यहाँ से। तो गाइस जैसे कि हमने देखा जो NS 200 है नई वाली, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी ये बाइक पहले से फास्ट हो चुकी है, बिकॉज जो इसमें इनिशियल पंच फील हो रहा है वो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ये बाइक झटका मार रही है स्टार्टिंग से ही, एंड जैसा कि मैंने बताया कि 5000 RPM के बाद ये बाइक क्या पुल हो रही है गाइस। डेफिनेटली ये बाइक जो अभी किंग होने वाली है 200 CC में, पहले तो किंग थी लेकिन अभी जो है ये 100% किंग हो चुकी है, बिकॉज अब ये बाइक इसी मामले में पीछे नहीं है, हर चीज़ इसमें अब आ चुका है, डिजिटल मीटर आ चुका है, पावर आ चुका है, तो ओवरऑल फुल पैकेज ये बाइक बन चुकी है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या ये बाइक रेफ हो रही है, मतलब फोर्थ गियर में ये बाइक 100+ टच कर रही है और विदाउट एनी मतलब लैगिंग ऑफ पावर। एंड मुझे इस बाइक की हैंडलिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, एंड बहुत ही स्पोर्टी इसका हैंडलिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको झुक के राइड करना पड़ता है, आप कंफर्टेबली इस बाइक को राइड करते हो, प्लस में जो आपको कॉन्फिडेंस है इस बाइक पर काफ़ी अच्छा आता है बिकॉज ऑफ USD फोक्स, फ्रंट में USD फोक्स मिलते हैं, तो इस वजह से जो हैंडलिंग नो डाउट बेटर होगी। सो अब बात करते हैं कंक्लूजन के ऊपर। सो नो डाउट अभी जो ये NS 200 है वो प्रीवियस मॉडल से काफ़ी फास्ट हो चुकी है, बिकॉज मैंने इसका एक ड्रैग रेस भी अपलोड किया ये चैनल पे, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। इनिशियल में जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपेयर टू प्रीवियस NS 200, मैंने उससे रेस किया था तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था। सो नो डाउट जो है NS 200 जो अभी वाली अपडेटेड मॉडल वो थोड़ी सी फास्ट हो चुकी है प्रीवियस मॉडल से। वहीं पर बात करूँ तो इसके अंदर जो है फीचर्स बहुत अच्छे ऐड हो चुके हैं, सो अब जो है ये फीचर्स के मामले में ये बाइक पीछे नहीं होने वाली है। एंड थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है पावर गाइस, इस बाइक के अंदर जिस तरह का आपको रफ पावर मिलता है 5000 RPM के बाद ये बाइक जिस तरह से पुल करती है बहुत ही मतलब मजा आएगा आपको इस बाइक को चलाने में। एंड गाइस अब मैं कंपेयर करता हूँ इसे अपाचे RTR 200 4V से, बिकॉज मेन कॉम्पिटिटर यही है। मैं अगर अपाचे 200 से कंपेयर करूँ तो उस बाइक से जो है NS 200 मार खाती थी फीचर्स के मामले में, लेकिन अब जो ये कमी दूर हो चुकी है। वहीं पे अगर मैं पावर की बात करूँ तो नो डाउट पावर के मामले में NS 200 आगे निकल जाती है, बिकॉज उसमें आपको 20 BHP का पावर मिलता है और इसमें मिल रहा है ऑलमोस्ट 24.1 BHP का पावर, तो 4.1 BHP का डिफरेंस मिलता है जो कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। एंड टॉर्क भी आपको इसमें ज्यादा मिलता है 200 से। वहीं लुक की बात करें तो लुक जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन है, सो किन्हीं को NS का लुक अच्छा लगता है, किन्हीं को 200 का लुक पसंद आता है अपाचे 200 का, सो ये मैं साइड में रखता हूँ, लुक आप लोग देख लेना। वहीं प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो NS 200 पावर के मामले में आगे हो जाती है अपाचे से, प्लस इसके अंदर 6-speed गियर बॉक्स आता है जो कि अपाचे में आता है 5-speed गियर बॉक्स, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है। एंड एक और पॉइंट की मैं बात करूँ तो इसके अंदर मिलता है USD फोक्स जो कि अपाचे में नहीं मिलता, नॉर्मल आपको कॉन्वेंशनल फ्रंट में सस्पेंशन मिलता है। सो तीन जो मेजर पॉइंट है उससे आप लोग डिफरेंस कर सकते हो, जो कि बहुत ही बड़ा पॉइंट है मैं अगर अपाचे 200 से कम्पेयर करूँ तो। सो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। सो अभी जो है शोरूम पे चलते हैं एंड वहाँ बात करते हैं कि फाइनेंस का यहाँ पे क्या ऑप्शन रहेगा इस बाइक के ऊपर। सो गाइस शोरूम में आ चुके हैं एंड ये हैं सागर भाई जो कि साई बजाज में जॉब करते हैं, सो इनसे पूछते हैं कि क्या क्या फाइनेंस का ऑफर है। सागर भाई इसमें फाइनेंस का फैसिलिटी दिया गया है, आप 55% डाउन पेमेंट पे भी आप गाड़ी निकाल सकते हैं, ठीक है। शोरूम प्राइस आपका आ जाएगा 1,60,877। अच्छा ठीक है, और अगर आप 50% डाउन पेमेंट करते हैं तो इसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, मतलब नो कॉस्ट EMI हो जाएगा एक तरह से। अच्छा, और आपने बताया कि 5% लगेगा ये लोएस्ट DP, तो मतलब आई थिंक 1,60,000 का 5% कितना हो गया, 22 से 23 हज़ार, मतलब 20 से 22 हज़ार में आप लोग ये बाइक घर लेकर जा सकते हो। बिल्कुल। तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक और सिविल स्कोर भी शायद इसे मैटर करेगा, जहाँ तक लगता है हमको सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। सो गाइस जैसे कि आपने देखा सागर भाई ने बताया कि इसके अंदर क्या क्या ऑफर है, और कुछ ऑफर भी है क्या इसके अलावा, जैसे कोई आते हैं कस्टमर गाड़ी बाई करते हैं यहाँ से, सो उनके लिए कोई ऑफर भी है साथ में, कुछ इसके साथ मिलेगा भी? बिल्कुल, एक ऑफर है जिसमें आपको हेलमेट फ्री मिलेगा। अच्छा, सो गाइस जैसे कि आपने देखा लोवेस्ट जो DP है ऑलमोस्ट 20 से 22 हज़ार तक में ये बाइक आप घर लेकर जा सकते हो, एंड साथ में जैसा कि सागर भाई ने बताया मतलब 50% पैसा आप अगर जमा करते हैं बाइक खरीदते वक्त तो नो कॉस्ट EMI के तहत ये बाइक आपको सेल कर देंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।